हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 30 तारीख को यानी आज ही लैब अटेंडेंट का भी एग्ज़ाम हुआ है। लैब अटेंडेंट के एग्ज़ाम के बारे में हम रिव्यू डाल देंगे बहुत जल्दी, क्योंकि लैब अटेंडेंट के एग्ज़ाम से ही पता चलेगा आपको कि आपका हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम किस हिसाब से होना है और उसके अंदर क्या क्या और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एग्ज़ाम हमारी बहुत हेल्प करेगा। रेलवे ग्रुप डी में जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जिनका एग्ज़ाम भी अभी 10 तारीख के बाद है उनके पास अभी भी टाइम है। अगर उन्होंने थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है या ये 10 दिन अच्छे से वो मेहनत कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा मौका उनके हाथ में है जो उनके हाथ से नहीं जाएगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। आप ये 10 दिन ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करके देखिए, आपके मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव होंगे। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए हैं जिनका एग्ज़ाम 10 तारीख के बाद है, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो सिलेबस मेंशन किया है इसको पूरा करने में जिन बच्चों ने बहुत कम पढ़ाई की है उनको एटलीस्ट 10 दिन तो लग ही जाएंगे, और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। वो और ज़्यादा मेहनत करते रहिए ताकि उनका एग्ज़ाम और अच्छा हो। तो यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी में आपके 100 नंबर का पेपर है, आपको 90 मिनट मिलेंगे और आपके कंप्यूटर के ऊपर पेपर होना है। आप सबको पता है इसके अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीए और साइंस। मैथ आपका 25 नंबर का पूछा जा रहा है, रीजनिंग 30 नंबर की पूछी जा रही है, 30 क्वेश्चन, और जीए जो है वो 20 नंबर का, और जो साइंस है वो 25 नंबर की। मैथ के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके लिए है। पहला टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। नेक्स्ट टॉपिक है एज, एज मतलब आयु। नेक्स्ट है एवरेज, एवरेज का मतलब औसत। टाइम एंड वर्क मतलब समय और काम। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और परसेंटेज मतलब प्रतिशत। और यहाँ पे हो जाएगा समय दूरी, समय और दूरी। तो ये जो कुछ टॉपिक मैंने मेंशन किए हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 25 नंबर में से लगभग 15 नंबर का काम इन्हीं टॉपिक में से पूछा जा रहा है। अगर आप 10 दिनों में डेली 2 दिन लगा के अगर एक चैप्टर को ख़त्म करते हो तो 10 दिन में इतना सिलेबस मैथ का आराम से पूरा हो जाएगा कि 25 में से आप 15 नंबर ईजिली ले पाओ। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आने हैं। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर सिलोलिज्म से, सिलोलिज्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 3 से 4। वेन डायग्राम, ओड वन आउट, ओड वन आउट से एक शिफ्ट के अंदर 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओड वन आउट का मतलब होता है विषम पहचाने, जैसे 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे उनमें से एक गलत होगा वो आपको फाइंड करना है। एनालॉजी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। डायरेक्शन मतलब दिशा और दूरी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीरीज और कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये 6 और 7 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से अगर आप ये कवर कर लेते हो तो 30 में से 20 नंबर का काम आपके इन्हीं टॉपिक में से पूछा जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम इन टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दें और 10 दिन में हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए वो आपको भी बताएं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम 10 दिन में आपको बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे अगर कमेंट में आप लोग यस बोलते हो तो। नेक्स्ट है जीए। जीए के अंदर आपका ओवरऑल सारी जीके आनी है जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर है, और हमने करंट अफेयर की बहुत सारी वीडियो डाल भी रखी है। और करंट अफेयर और जो जीए के क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके जीके में अच्छे मार्क्स आएँ और आप लोग वीडियो चाहते हो तो आप फिर भी हमें कमेंट कर सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वीडियो प्रोवाइड करने की। तो जीए में 20 क्वेश्चन आने हैं। अगर आपको 10 दिन में अच्छा स्कोर करना है तो आप डेली के 100 क्वेश्चन पढ़िए। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, हमारे चैनल से भी पढ़ सकते हो या कहीं से जहाँ से भी आपको मैटर मिले आप डेली के 100 क्वेश्चन पढ़िए। ज़्यादा ध्यान दीजिए आप सेप्टेम्बर मंथ के करंट अफेयर पर, और मैंने सेप्टेम्बर मंथ के ऑलमोस्ट करंट अफेयर कवर कर रखे हैं अपने चैनल पे, अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। नेक्स्ट है साइंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। साइंस के अंदर भी आप डेली के 100 क्वेश्चन पढ़िए। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं आवर्त सारणी से। अगर आप लोगों को आवर्त सारणी आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो हमारे चैनल पर आवर्त सारणी की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप लोग वो देख लीजिए ताकि आपके वहां से क्वेश्चन ना छूटे। तो ये आपका कुछ सिलेबस था। अगर आप इतना सिलेबस 10 दिन में कवर कर लेते हो तो आपके 55 के ऊपर मार्क्स बन सकते हैं, और ये इतना मतलब आसान पेपर नहीं आ रहा कि मैं आपको बोल दूं कि 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे आप 10 दिन में इतना सिलेबस कर लो। इस सिलेबस को पूरा करके जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं उनका एनालिसिस करके मैंने देखा है कि इतने टॉपिक में से लगभग 55 से ऊपर का काम पूछा जा रहा है। अगर आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को पता भी होगा, आपने एनालिसिस भी देखा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगती है, आप लोग चाहते हो कि इस 10 दिन में हम आपकी हेल्प करें और हम जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं वो आपके साथ भी शेयर करें,
तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा हो। थैंक यू।